Hi students, how are you? Good morning to all of you. आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स को हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया था और उसके कुछ भाग के बारे में बताया था कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होता है, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक, ए और एन को किस आर्टिकल के ग्रुप में रखा जाता है और द को किस आर्टिकल के ग्रुप में रखा जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया है कि ए और एन को, ए और एन को इंडिफरेंट आर्टिकल्स के अंतर्गत रखते हैं और द को डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर रखा जाता है। तो आज हम लोग यूजेस ऑफ ए एन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी बताया गया कि ए और एन का प्रयोग कहां होता है। तो ए और एन का प्रयोग जब हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, तो आपको यह बताया गया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले या साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या पहले क्या होता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यदि नाउन आपका प्लुरल रहता है तो आप क्या करते हैं कि ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ए और एन का प्रयोग और कहां कहां होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज वाटर, वाटर नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल है। तो यहां पे ए या एन, इन दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर टू, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, ठीक है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है अर्थात रहता है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले हो। क्लियर, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा, ठीक, तो आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, एडजेक्टिव के पहले करेंगे। और यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है तो आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। बात समझ में आई कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, और यदि एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, ठीक, तो उस आर्टिकल का प्रयोग कहां होगा, एडवर्ब के पहले होगा। जैसे दिस इज ए कैट, ये क्या है, दिस इज ए कैट, ये कैट क्या है, नाउन हो गया। ए का प्रयोग किसके पहले हुआ, कैट के पहले। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। इसके बाद दिस इज ए ब्लैक कैट, ये देखिए नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, ठीक है। दिस इज ए ब्लैक कैट, ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट, तो दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट। यहां पे आप देखिए, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो ये नाउन है, ठीक, ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव था, तो आप यहां देखें कि ए का प्रयोग किया गया। इसके बाद कह रहा है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले, अर्थात नाउन के पहले एडजेक्टिव, ठीक, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है। इसके बाद एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब रहेगा, तो आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, एडवर्ब के पहले, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया। आपने इन तीनों वाक्यों में देखा कि दिस इज ए कैट, ये हो गया नाउन, नाउन के पहले होता है,
तो यहां एक का प्रयोग हुआ। दूसरा में कह रहा है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो नाउन है आर्टिकल का प्रयोग कहां करना है, एडवर्ब के पहले करना है। तो ये आपका हो गया एडवर्ब के पहले ए का प्रयोग। तो ये आप क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नंबर थर्ड कि ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग ठीक अपने बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार भी होता है। ए एन का प्रयोग कहां होता है, ठीक अपने बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के बाद उच्चारण के अनुसार भी होता है। जैसे सीता इज ए गर्ल, सीता इज एन आइडल गर्ल। तो आपने ये देखा कि आज ए और एन का प्रयोग हमने कहां कहां किया या कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है या कैसे करते हैं, इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ए और एन के प्रयोग में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ए एंड एन, अर्थात ए और एन के प्रयोग में अंतर। ठीक, तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होगा। इसके पहले आप इस चैप्टर को, इस विषय को, इस टॉपिक को समझें, समझ करके अपनी नोटबुक्स में उतारें, और इसी के साथ मैं अपनी आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।